हेलो। हेलो, नमस्कार नमस्कार। सर। मुझे पीएसएल के बारे में बात करनी थी। मैं सहरसा से आरडी प्रजापति बोलता हूँ सर। हाँ जी बोलिए। भाई, पीएसएल का पैसे कब रिटर्न होने वाले हैं? ये अगले 15 दिन में हो जाएंगे। सर कितने तक क्या होगा? कितने हाँ कितने मिलेंगे अभी 5,000 तक दे रहे हैं। अगले 15 दिन में? मिल जाएंगे। आपका नाम क्या है सर? मैं नोडल ऑफिसर हूँ अनिंद्या। अनुज दास बोल रहे। हाँ हाँ तो सर, मैं 15 दिन से आपको ये कॉल लगा रहा था, लेकिन आपका कॉल कोई रिसीव ही नहीं हो रहा था। अच्छा, मैं मीटिंग में हूँगा तभी इस टाइम। मीटिंग में 15 दिन में लोगों के अकाउंट में आ जाएगा पैसे। हाँ जो भी सक्सेसफुल होगा आ जाएगा। और सर, ये जो बाकी रह गए हैं, जो किसी का सर्टी गुम हो गया है, किसी का नाम बदल गया नहीं वो सभी कंसीडर होगा, एक एक करके होगा। है? नहीं, वो तो सब प्रोसेस ही बाकी है, अभी ऑनलाइन प्रोसेस ही बाकी है अभी तो। तो फिर से खोला जाएगा दोबारा से और फिर से लिया जाएगा जिनका नहीं हो पाया। और 5,000 से ज्यादा कब मिल सकता है सर? वो कमिटी के पास पैसे होंगे तो फिर वो भी करेंगे। सर तो अभी ये कमिटी के पास कितने पैसे हैं? नहीं ये सब मैं जितने हैं हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सर, हमको भी जानना पड़ेगा ना। ये सुप्रीम कोर्ट ने 3.5 साल से ऑर्डर किया हुआ है कि 6 महीने में पैसे दे दिए जाए, फिर भी ये सुप्रीम कोर्ट की अवगणना हो रही है। 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हाँ इस मिनिस्टरों को 6 महीने में पैसे दे दिए जाए, फिर भी ये 3.5 साल हो गए, अभी तक किसी भी कस्टमर को पैसे नहीं मिले। नहीं कि पैसे दिए गए हैं, एक राउंड हुआ है, अब ये दूसरा राउंड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं दिए गए हैं। तो अब सर, दूसरा प्रॉपर हमारे पैसे मिलेंगे कब सर? हम लोग, कई लोगों ने तो आत्महत्या कर ली सर। नहीं प्रॉपर हमने तो सर मोदी साहब को भी लेटर लिखा था 1 साल के पहले, और वहां अभी आपकी सीरी से भी लेटर आया था, उसके बाद कुछ भी हुआ नहीं है। मैंने पीएमओ भी फोन किया, हमने हमारे जो सांसद है यहाँ के, उसके द्वारा भी मोदी जी को अर्जी दी हुई है, अभी 1 तारीख को भी दी हुई है निर्मला सीतारमण को, हाँ जी फिर भी हमें ये जवाब नहीं मिल रहा है। हमारे जो कस्टमर है सब हमको हैरान परेशान कर रहे हैं। कई लोगों की तो प्रॉपर्टी हड़प कर ली है कस्टमरों ने, फिर भी ये सेवी का कौन सा न्याय है ये हमको मालूम नहीं पड़ रहा है सर। इस देश में लास्ट में लास्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश होते हुए भी 3.5 साल हो गए सर। कमिटी के जो चेयरमैन है वो सुप्रीम कोर्ट के ही जस्टिस हैं। तो मैं सर यही यही आपको कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो ऐसे है तो इस देश का क्या होगा, मेरे को ये मालूम नहीं पड़ रहा सर। तो प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी तो कहां से पैसे आएंगे? नहीं सर, जवाब तो देना पड़ेगा ना। लोधा कमेटी ने आज तक कुछ भी जवाब नहीं दिया है। नहीं जवाब तो दे रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट को, आप देखिए सब रिपोर्ट्स हैं जो भी हैं, जवाब दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। अरे 3.5 साल में सर, ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया होगा कि 6 महीने में पैसे ये प्रॉपर्टी बेच के उसका पैसे रिटर्न कर दीजिए, फिर भी पैसे कुछ नहीं, कोई कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं आप देखिए वेबसाइट में है, सुप्रीम कोर्ट को बताया सर गया मैं है। वेबसाइट भी देख चुका हूँ, ईमेल भी कर चुका हूँ, मोदी जी को भी एप्लीकेशन दे चुका हूँ यहाँ के सांसद द्वारा, मोदी जी के भाई जो है सोम भाई मोदी, उसके द्वारा मैंने ये लेटर लिखा था। 1 साल हो गया उसका भी कुछ नहीं हुआ है, तो ये सेबी खुद क्या करती है, ये पैसे कस्टमर को देना है कि नहीं देना है ये मालूम नहीं पड़ रहा है। लोग मरे जा रहे हैं, कब होगा ये मेरे को ये मालूम नहीं पड़ रहा सर। हम लोगों को इतना बड़ा लोगों ने परेशान कर दिया है कि हमारा जीना मुश्किल हो गया। अब फिर भी आप ये पहले 2500 वाला चालू किया, तो 2500 वाला में थोड़ा कई लोगों को पैसा मिला है, कई लोगों को नहीं मिला है। अब ये 5,000 का चालू कर रहे हैं, अब 5,000 का कब पूरा होगा? और जिन लोगों ने 1-2 लाख इन्वेस्टमेंट किया है उन लोगों को तो पैसे कब मिलेंगे? शायद वो लोग, मैं तो यही समझ सकता हूं कि ये लोग इस दुनिया में होंगे नहीं, तब मिलेंगे। ये इस देश का क्या होगा ये मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा सर। नहीं एक एक करके देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे। देखिए हमने
पहले 2500 का दिया, इस बार 5000 का दे रहे हैं। अरे सर 2500 का दिए, 2500 का दिया हुआ है, दो साल हो गए उस बात को, दो साल हो गए और ये एप्लीकेशन लिए हुए 2 फरवरी महीने में एप्लीकेशन ऑनलाइन लिया था और वो ऑनलाइन एप्लीकेशन लेने के बाद 6 महीने हो गए। नहीं 31 जुलाई तक वो चला था, 31 जुलाई के बाद ही मेरे को सब मालूम है सर, 31 जुलाई चला था, उसके बाद लोढ़ा कमेटी ने इस 29,000 प्रॉपर्टियों का टेंडर मंगवाया और वो 16 सितंबर को पूरा हो गया, आज 18 अक्टूबर हो गई है, 1 महीना हो गया सर, इस प्रॉपर्टी का भी कुछ नहीं जवाब दिया किसी ने। मैं तो यही कहता हूँ सर, जिन लोगों ने इन पैसे का दुरुपयोग किया है उनका सत्यानाश हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा इन लोगों का, क्योंकि इन इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, पीएसएल की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, 6 करोड़ कस्टमर है और 6 करोड़ कस्टमर को एक पारिवारिक गुना जाए तो 30 करोड़ लोगों का ये प्रॉब्लम है, लेकिन इस देश में कुछ कुछ सुनने वाला नहीं है। सर अभी आप नोडल ऑफिसर, मैंने संग्राम मलिक को पहले भी एक बारे में 1 साल पहले फोन किया था और मैं ये फोन लास्ट 1 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, फिर भी कोई ये फोन रिसीव नहीं कर रहा है। नहीं मैंने रिसीव किया ना आज आपका फोन। सर आज आपने ये रिसीव किया, मैंने मोदी जी को भी बोला है, अरे मोदी जी की मैंने मुलाकात भी मांगी है, अगर जो जिस दिन मुलाकात मिल गई ना, मैं पूरी सेबी को नंगा कर दूंगा, पूरी सेबी को नंगा कर दूंगा कि इस देश में, सबको बोल दूंगा कि भाई स्वैच्छिक इंसान मर जाएगा लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, हम राष्ट्रपति को दे देंगे भाई हमको इच्छा मृत्यु दे दो, पीएसएल वालों को सभी को इच्छा मृत्यु दे दो, अगर पैसे नहीं देना है तो इच्छा मृत्यु दे दो, क्योंकि देश में ये कैसा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश होते हुए भी एक सुप्रीम कोर्ट का जज इस कमेटी का चेयरमैन है फिर भी वो पैसे नहीं दे रहा है। हेलो, हाँ जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी आप सुन रहे सर, मैंने आपका नंबर 15 दिन से लिया हुआ है लेकिन आपका कोई जवाब नहीं मिल रहा था, और जो भी मैडम ये दूसरा नंबर वाला नंबर था ना उसपे ये नंबर ट्रांसफर कर रही थी, आपके 2 नंबर दूसरे भी मेरे को दिए थे, वो लास्ट में 15 उन लोगों ने कभी फोन नहीं उठाया, वो पीयूष महाजन और चेतन जी ने कभी फोन नहीं उठाते ये लोग। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने आपका फोन उठाया है और बहुत फोन आते हैं, आप अकेले नहीं है। अरे सर बहुत फोन आते होंगे तो आपने कभी भी ये कस्टमर कितने मर गए ये आप लोगों को ख्याल नहीं है शायद, कितने कस्टमर मर गए इसमें, और इसमें कंपनी ने जो भी किया कंपनी को आपको जो करना था बंद कर दे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक गरीब इन्वेस्टरों के पैसे वापस कर देना चाहिए ना आपको, क्यों रखे हैं पैसे, क्यों उसकी प्रॉपर्टी करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का कौन इस्तेमाल कर रहा है ये उनको मालूम नहीं पड़ रहा है, पूरा देश ये 30 करोड़ लोग सुप्रीम कोर्ट का आदेश होते हुए भी ये पैसे नहीं मिल रहे तो क्या करने का है। नहीं मिलेंगे पैसे ऐसा नहीं, सब कब मिलेंगे, ये 5000 रुपये वाला जो है ना आपने आप भी बोला कि 5000 रुपये 15 दिन में मिलेंगे, लेकिन ये 15 दिन में 5000 मिलने के बाद वो लाख रुपए 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 5 लाख का 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है उन लोगों को, तो मैं आपकी जो कार्यवाही चल रही ना इससे हिसाब से तो मेरे को यही मालूम है कि वो लोग इस दुनिया में हयात नहीं होंगे तब उसको पैसे मिलेंगे, ऐसा हमारा देश का ये कार्य चल रहा है, कोई कुछ नहीं करता सर। सर फिर सिर्फ पीएसएल को बंद करवा दिया, लोगों को इधर उधर कर दिया, लोगों को मंडे के छोड़ दिया है, इस देश में कोई कायदा कानून कुछ भी नहीं चल रहा है, सिर्फ लोगों की वो चल रही है कि मैं हूं बस, दूसरा कुछ नहीं चलता है। सब ये 5000 के बाद आपकी आप कब देने वाले हैं? नहीं फिर से खिड़की वो खोला जाएगा ऑनलाइन। कब खोला जाएगा वो? पेमेंट के बाद वो आएगा, पब्लिक नोटिस आएगा 15 दिन के बाद, महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 12 महीने, कब?
ये पब्लिक नोटिस आएगा सर, आपको तो मालूम होगा ना पब्लिक नोटिस कब आएगा। ये लोग मरे जा रहे हैं, इतने बड़े देश में इतनी एप्लीकेशन हमने लगाई है ना कि शायद इस दुनिया में किसी को इतनी एप्लीकेशन नहीं लगानी पड़ी होगी। इतनी एप्लीकेशन हमने ये सेबी वालों को लगाई लेकिन कुछ नहीं हुआ है। अभी ये पेमेंट जब हो जाएगा उसके बाद से फिर से स्टार्ट किया जाएगा। सर कितने हजार करोड़ आप देने वाले हैं इसमें, ये इंटरेस्ट के साथ देने वाले हैं कि सिर्फ जो कैपिटल भरा हुआ है वही देने वाले हैं? मैंने बताया ना आपको 5,000 रुपए तक लोगों को देने वाले हैं। हाँ तो 5,000 भरे तो 5,000 ही मिलेंगे। हाँ जी, जितना उन्होंने भरा होगा उतना मिलेंगे। वो कमिटी ने ऐसा ऐसा किया है ना। हाँ वो पब्लिक नोटिस देखिए, पब्लिक नोटिस में भी हम लोगों ने लिख के दिया है, वेबसाइट पे है। सर पब्लिक नोटिस में तो लोग दे देते हैं, पब्लिक नोटिस में तो दे दिया अभी ये जो भरा है वो ही मिलेगा, लेकिन जो पब्लिक ने पैसे भरे हैं वो पब्लिक ने उसके भविष्य के लिए पैसे रखे थे और इस कंपनी अच्छी तरह से चल रही थी फिर भी ये लोगों ने बंद करवा दिए। अरे बंद करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जो कस्टमर गरीब थे उसका पैसा दे देना चाहिए था ना। सर आपको मालूम पड़ता होगा कि पैसे कैसे आते हैं वो, और लोगों का भविष्य बनाने में ये पैसे रखे थे, उन्होंने सेविंग्स करके पैसे रखे ये सब, लोगों को उड़ाने के लिए पैसे नहीं दिए थे सर। और ये कोई हरामी वाले का पैसा नहीं आया यहाँ में इस कंपनी में, जिन्होंने पैसे दिए वो ग्राम की खेती करके उन्होंने बचत करके पैसे दिए हुए, फिर भी ये लोग जो जो पैसे खा रहे हैं ना उनका सत्यानाश हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं। ठीक है अभी पेमेंट हो जाएगा 15 दिन में, फिर 15 दिन में हो जाएगा। हाँ जी ओके सर जी। और